जगह जहां कोई सिद्ध महात्मा भजन किए, अगर वहां मंत्र जप कर हम अधिक मात्रा में, तो वो मंत्र बहुत जल्दी प्रकाश करेगा। दूसरा, कोई पुण्य क्षेत्र, बड़े बड़े तीर्थ स्थान है, नदी का तट, जैसे धारा बह रही यमुना जी की, गंगा जी की, तो 8 हाथ उससे थोड़ा दूर, वहां का जप बहुत लाभ प्रदान करता है। पर्वत की गुफा, पर्वत, पर्वत शिखर, ये सब परम पवित्र हैं। तुलसी जी की जहाँ कई लताएं हो, तुलसी वन, 8-10 तुलसी के पेड़ है, या 2-4 तुलसी के गमले हैं, और आप बीच में आसन लगाकर बैठे, आसपास 2-4 तुलसी के गमले, तुलसी के वृक्ष, उससे कई गुना आपको लाभ अधिक मिलेगा भजन का। या गौशाला में, या पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल का वृक्ष साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है, पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे, या सदगुरुदेव के श्री चरणों के समीप, सदगुरुदेव के सानिध्य में, सबसे अधिक लाभ मंत्रदाता सदगुरुदेव के सानिध्य में, देव की पादुका के समीप। घर में जब करते हैं तो उससे 10 गुना बढ़कर के लाभ होता है, जहां गौएं बंधी होती है गौशाला में। घर और जो पवित्र सरोवर है,